आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल में जो येटी एयरलाइंस का क्रैश हुआ था वो बहुत ही एक दुखद घटना थी। नेपाल में पिछले 10 साल में काफ़ी ज़्यादा क्रैशेज हो चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नेपाल इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एयर स्पेस टू फ्लाई। माउंटेन रेंजेस बहुत सारी है, एयरपोर्ट की बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। लुकला एयरपोर्ट एक है, उसकी बहुत ज़्यादा डेंजरस अप्रोच बनती है, लेकिन वहाँ पर फिर भी बहुत लोग जाते हैं क्योंकि जिनको भी कैंपिंग करनी होती है या ट्रैकिंग करनी होती है हिमालय में बेस कैंप, वहाँ से जाके वो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्रैश हुआ, ATR एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा था। इसमें बहुत ही सैड स्टोरी है कि जो को पायलट थी इसमें उनका देहांत हो गया और उनके हस्बैंड का आज से 16 साल पहले सेम एक एयर क्रैश हुआ था येटी एयरलाइंस का, उसमें उनका भी निधन हो गया। टोटल 72 पैसेंजर्स थे, एज पर द न्यूज़ रिपोर्टेड 68 पैसेंजर्स आर कन्फर्म डेड। ये जो विमान जा रहा था ATR, पोखरा के आसपास कहीं क्रैश हुआ। अगर आपने देखा होगा इसका एक वीडियो, किसी ने अपनी घर की छत से बन के बनाया था, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है और हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या हुआ होगा। हालांकि अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं आया है। हर एक एडवांस एयरक्राफ्ट में ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें आपका CVR और DFDR होता है। CVR होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट में पायलट्स जो भी बात करते हैं आपस में या ATC से उसमें कैप्चर होती है। स्टैंडर्ड जो है CVR में पिछले 2 घंटे तक की सारी कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड होती हैं, और जो DFDR होता है उसमें फ्लाइट का हर पैरामीटर, टेक ऑफ से लेके जब तक वो एक्सीडेंट हुआ, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। स्पीड कितनी थी, थ्रस्ट कितनी थी, पायलट ने क्या इनपुट दिया, कंप्यूटर्स ने क्या सिग्नल भेजा, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। और ये तकरीबन स्टैंडर्ड है, पिछले 25 घंटे तक का डेटा इसमें रिकॉर्ड होता है। और ब्लैक बॉक्स बनाया इसीलिए जाता है कि जब भी कोई ऐसी क्रैश होती है तो उसको रिकवर कर सके टीम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और पता लगा सके इसका रीज़न क्या है क्रैश का। देख सकते हैं कि इस जहाज़ की लैंडिंग गियर डाउन थी, मतलब हमें साफ हो गया कि ये लैंडिंग अप्रोच के लिए कहीं जा रहा था। अब देखेंगे क्रैश से कुछ ही सेकेंड्स पहले उस एयरक्राफ्ट की नोज अप थी। यूजुअली आप सोचेंगे यार नोज अप तो टेक ऑफ के टाइम पे होती, जब वो लैंडिंग के लिए आ रहा है, क्योंकि लैंडिंग गियर डाउन थी, उसके पहिए नीचे थे, तब उसकी नोज इतनी अप कैसे हो गई? और जब कोई एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए आता तो वो सीधा आता है, उसमें देखेंगे आप बैंक एंगल था, इट वॉज बैंकिंग टूवर्ड्स इट्स लेफ्ट, तो वो क्यों था? मेरा नाम है गौरव तनेजा एंड आई एम एन एयरलाइन कैप्टन। मुझे 10 साल का एयरलाइन फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है। ये अगर एक एयरक्राफ्ट है उसमें 4 फोर्सेस होते हैं और फ्लाइट में वो फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं। नीचे लगता है एयरक्राफ्ट का वेट, अगर एयरक्राफ्ट पे लिफ्ट नहीं होगी तो गिर जाएगा, तो लिफ्ट इज बैलेंसिंग द वेट। एयरक्राफ्ट आगे जाता है बिकॉज अपने इंजन से वो थ्रस्ट या पावर प्रोड्यूस करता है। एयरक्राफ्ट को एक और फोर्स बैलेंस करता है ड्रैग। एयरक्राफ्ट लिफ्ट कैसे प्रोड्यूस करता है? अपने विंग्स के द्वारा। तो टेक ऑफ हम देखेंगे, पायलट क्या करता है, प्लेन की नोज को अप करता है। प्लेन की नोज को अप किया, जहाज ऊपर गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, एंगल ऑफ अटैक। इस वीडियो के पर्पस के लिए, सिंपल रखने के लिए, हम ये मान लेते हैं कि विंड जो है सामने से स्ट्रेट आ रही है। हालांकि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, एयरक्राफ्ट ऐसे जा रहा है और विंड सामने से स्ट्रेट आ रही है। अगर एयरक्राफ्ट सेम एंगल पे है विंड से तो ये हो गया एंगल ऑफ अटैक 0। ऐसे अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो एंगल ऑफ अटैक आपका 5 डिग्री, 6 डिग्री, एंगल ऑफ अटैक 8 डिग्री, 10 डिग्री, 12, 15। मान लेते हैं कि एयरक्राफ्ट की स्पीड कांस्टेंट है, तो जितना ज़्यादा एंगल ऑफ अटैक होगा लिफ्ट, आपके विंग्स उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आता है कैच, और ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक। यहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं है क्योंकि एंगल ऑफ अटैक 0 है। 1, 2, 3, 4, लिफ्ट इंक्रीजिंग। 5, 6, 7, 8, लिफ्ट बढ़ रही है क्योंकि एंगल ऑफ अटैक बढ़ रहा है। 9, 10, 11, 12, लिफ्ट बढ़ रही है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ पे आके जब एंगल ऑफ अटैक इस वैल्यू से आप और बढ़ाएंगे तो आपकी लिफ्ट कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप और बढ़ाएंगे तो जहाज़ आपका लिफ्ट प्रोड्यूस करके ऊपर नहीं जाएगा, जहाज़ नीचे जाएगा। अब इस चीज़ को हम कहते हैं स्टॉल। और जो वीडियो आपने देखा, एयरक्राफ्ट क्लियरली स्टॉल हो गया था। एयरक्राफ्ट ऐसे गिरा और एयरक्राफ्ट बैंक करते हुए ऐसे गिरा। जब आप टर्न करते हैं तो ओवरऑल एयरक्राफ्ट का लोड फैक्टर बढ़ जाता है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो बस ये समझो, जब आप टर्न करते हैं तो आपको ओवरऑल लिफ्ट ज़्यादा चाहिए होती है। कोई भी एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो 2 सीटर हो, चाहे 200 सीटर हो या 500 सीटर हो, विंग अगर ऐसे है तो विंग के ऊपर से कुछ हवा जाएगी, विंग के नीचे से कुछ हवा जाएगी। बेसिक फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, लेकिन जैसे ही आप एंगल ऑफ अटैक बढ़ाते हैं अपने जहाज का, क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक पे आके, ये एक ऐसा एंगल ऑफ अटैक है जिसके बाद विंग्स के ऊपर की लिफ्ट स्मूथ एयर फ्लो नहीं रहती,
वो टर्बुलेंट हो जाती है और इसीलिए उस स्टेज पे आपका विंग लिफ्ट प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। लेट मी प्ले अ वीडियो फॉर यू। आप इस वीडियो में देखिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें छोटे छोटे थ्रेड्स लगा दिए थे विंग के ऊपर और प्लेन अपना एंगल ऑफ अटैक बढ़ा रहा था। धीरे धीरे उसने एंगल ऑफ अटैक बढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं थी, वो क्लाइंब करता गया। बट जब पायलट ने एक सर्टेन एंगल के बाद अपना एंगल ऑफ अटैक बढ़ाया तो वो जो थ्रेड्स लगे हुए थे अब सीधा अलाइन होने की बजाय गोल गोल घूमने लगे। एंड दैट इज़ अ साइन कि आपकी विंग के ऊपर टर्बुलेंट हो चुकी है। जब ऐसा होता है उसी सिचुएशन को हम स्टॉल बोलते हैं। चाहे बेसिक एयरक्राफ्ट हो, चाहे एयरबस हो, चाहे बोइंग हो, हर पायलट को हर 6 महीने में स्टॉल रिकवरी मैंडेटरी कर दी गई है। अगर आपको याद होगा 2008-2009 में एयर फ्रांस का एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके पहले हम लोग स्टॉल प्रैक्टिस नहीं करते थे क्योंकि ऐसा बोला जाता था कि जो एडवांस एयरक्राफ्ट है वो कभी स्टॉल हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक सिस्टम लगा होता है जहाज के अंदर कि जब भी आपका एंगल ऑफ अटैक क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक पे पहुंचता है वो सिस्टम ओवरटेक कर लेता है और अपने आप एयरक्राफ्ट की नोज को डाउन कर देता है। बट जब वो क्रैश हुआ तब जो इंजीनियर्स से उन्होंने ये पाया कि कुछ सिस्टम्स ऐसे भी हैं जिनकी खराब हो जाने से, या फिर अगर वो खराब नहीं भी है, गलत रीडिंग दे देने से वो आप स्टॉल कर सकते हैं। तो जो येटी एयरलाइंस का जहाज था वो हो गया था स्टॉल। मैं बता दूं, जब एयरक्राफ्ट स्टॉल होता ना तो बहुत सारी वार्निंग्स और कॉकपिट के अंदर घंटियां बजती हैं। आप उसको मिस नहीं कर सकते, आपका स्टिक शेकर होता है वो। लेकिन उसके बावजूद ये एयरक्राफ्ट अगर क्रैश हुआ तो उसके पीछे का रीजन जो हम स्पेकुलेट कर सकते हैं वो है अनरिलायबल एयर स्पीड। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स विच कैन हैपन टू अ पायलट ऑल्सो वेन यू आर क्लोज टू द ग्राउंड, क्योंकि आपके पास रिकवरी का टाइम नहीं होता। 30,000 फीट पे अनरिलायबल एयर स्पीड हो रही है, आप एकदम से क्रैश नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप 500 फीट पे, 1,000 फीट पे क्लोज टू द ग्राउंड है, लैंडिंग करने आ गए, उस समय अनरिलायबल स्पीड हो गई तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बन सकती है। तो एविएशन में एक रूल है, रीड एंड डू। कॉकपिट में 2 पायलट होते हैं, एक पायलट किताब निकालता है, रेडियो चेक डन, एडीआर स्विच ऑन, चेक ऑन। हम लोग इतनी धीरे काम करते हैं, हमें बताया जाता है कि सही काम करना है, जल्दी काम नहीं करना है, और एयरक्राफ्ट के पास इतना टाइम तो होता है कि आप अपना टाइम लेके एक्शन ले सके। लेकिन कुछ क्रिटिकल फेलियर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास रीड एंड डू का टाइम नहीं होता। अनरिलायबल एयर स्पीड इज वन ऑफ दोज क्रिटिकल सिचुएशंस जहां पे आपको किताब खोलने का टाइम ही नहीं, किताब खोली, जहाज आपका गया। मेमोरी आइटम्स होते हैं हमारे, अब तो आईपैड्स आ गए जहाज में, वी डू नॉट कैरी बुक्स, बट जब हम बुक्स कैरी करते थे इतनी इतनी किताबें कॉकपिट में होती थी, हमारे पास इतना टाइम होता था। कुछ फेलियर हो गया, एक पायलट उठता था सीट से, पीछे से किताब निकालता था, आगे बैठता था, हाँ भैया कौन सा पेज नंबर पे है, चैप्टर नंबर ये, अच्छा इलेक्ट्रिकल फेलियर, इलेक्ट्रिकल चैप्टर में गए, क्या आ रहा सामने, ये चैप्टर में गए। लेकिन मेमोरी एक्शंस में आपके पास टाइम नहीं होता, टक 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 टक, ऑटो पायलट ऑफ, एफडीज ऑफ, दो स्विच ऑफ, पिच एंड थ्रस्ट पे फ्लाई करो। अनरिलायबल स्पीड वो होती है जब आपका एयरक्राफ्ट मान लो 150 की स्पीड से फ्लाई कर रहा हो, एक्चुअल स्पीड, लेकिन आपको इंडिकेशन आएगा वो 200 पे फ्लाई कर रहा है, कुछ गलती हो गई, एयरक्राफ्ट में कुछ खराबी नहीं है, सेंसिंग की प्रॉब्लम हो गई। आपका बेसिक थर्मामीटर है जिससे आप बुखार मापते हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर फाइन है, बट वो थर्मामीटर में कुछ खराबी है, वो दिख रहा है आपको बुखार है। मान लीजिए आप लैंडिंग के लिए आ रहे हैं और आपकी लैंडिंग स्पीड आपने कैलकुलेट कर ली 130 नॉट्स की लैंडिंग स्पीड है, अनरिलायबल स्पीड हो गई, आपके सिस्टम्स माल फंक्शन कर गए, वो दिखा रहा है आप 170 पर फ्लाई कर रहे हो, पायलट का पहला एक्शन क्या होगा, वो थ्रस्ट पीछे खींचेगा, नोज अप करेगा ताकि स्पीड कम हो जाए। आपकी एक्चुअल स्पीड थी 130, आपको दिखा रहा है 170, आपने स्पीड और कम कर दिया, अब वो एक्चुअल स्पीड 130 से गिर के 110 हो गई, अब आप पहुंचेंगे क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक पे, तो क्या होगा, जहाज डाउन चला जाएगा। एयरक्राफ्ट स्टॉल हुआ है क्योंकि लैंडिंग के लिए आ रहा था, काफ़ी कम स्पीड में था डेफिनेटली, लेकिन क्या उसमें अनरिलायबल स्पीड थी या नहीं थी अभी हम नहीं कह सकते, बट मोस्ट एजुकेटेड गैस हम ले सकते हैं कि हो सकता है अनरिलायबल स्पीड ही हुई हो, अदरवाइज इतनी जल्दी एयरक्राफ्ट का हवा से गिर जाना बहुत ही ज़्यादा अनलाइकली है। क्या पायलट्स अनरिलायबल स्पीड को फ्लाई करने के लिए ट्रेन नहीं थे? आई एम श्योर वो होंगे, हो सकता है उनके साथ कुछ और भी हो, अनरिलायबल स्पीड के साथ कोई और फेलियर भी हो गया। एट दिस पॉइंट वी शुड नॉट कमेंट ऑल्सो, एंड ये भी जो मैं कह रहा हूँ अनरिलायबल स्पीड, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा। आई होप आपको जो मैंने समझाया समझ में आया होगा, बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मेरे को, और मैं कोशिश करूँगा उसको क्लैरिफाई करने के लिए। बहुत उसमें लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत सारी फैमिलीज का नुकसान हुआ है, एंड सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना ख्याल रखें, बाय।